हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज की जो हमारी टेक्निकल टर्म है वो है टाइप्स ऑफ वॉल्व। मैंने बेस्ट वाटर के दो लेक्चर बनाए हैं अभी तक, लॉन्ग लेक्चर, और छोटे छोटे तो मैंने टॉपिक बहुत से बनाए हैं, पर मैंने जो लॉन्ग बड़े लेक्चर हैं मैंने दो बनाए हैं पूरे टॉपिक को कवर करते हुए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे वैल्यू एडेड लगा कि इनको जोड़ देने से लेक्चर का थोड़ा वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा काम करेगा। तो टाइप्स ऑफ वॉल्व पूरे लेक्चर में मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने अलग से इनको खोजा है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो फिर लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए दो लेक्चर तो मैंने लॉन्ग बना ही दिए, छोटे छोटे बहुत ढेर सारे भी बनाए हैं। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का है। वेस्ट वाटर के लिए जो वाटर पाइप लगाए जाते हैं उसमें कुछ वॉल्व दिए जाते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वॉल्व वॉल्व कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में दे सकता है, चार ऑप्शन में। तो मैंने मतलब एकदम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को बेस्ट तरीके से पढ़ाने के लिए इसको चुना है। तो टेक्निकल टर्म हमारी आज की है टाइप्स ऑफ वॉल्व। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक है चेक वॉल्व, इसको कहाँ लगाते हैं। दीज वॉल्व आर यूज टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन। ये लगाया जाता है वाटर पाइप में जब रिवर्स डायरेक्शन में हमें पता करना होता है कि पानी का फ्लो कितना है। दीज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंप। ये पंप जिधर पानी निकलता है उधर लगाए जाते हैं। दीज वॉल्व्स वर्क ऑटोमेटिकली, अपने आप काम करते हैं। अगली बात क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व कौन से हैं, कह रहा है। इन हाइड्रोलिक्स ए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व सर्व्स द सेम पर्पज एज ए प्रेशर रेगुलेटर। इनको सबसे ज़रूरी है कि पानी का मतलब जो वाटर पाइप है उसमें क्या होगा, पानी के प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, कितने प्रेशर से पानी को छोड़ा जाएगा वाटर पाइप में। फिर क्या है, वॉल्व इन ए कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, इसमें कंप्रेस्ड एयर सिस्टम लगा होता है। इट इज़ वन ऑफ ए वेराइटी ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व अवेलेबल फॉर हाइड्रोलिक सर्किट्स। ये हाइड्रोलिक सर्किट में अवेलेबल होते हैं। इट इज़ ऑलवेज यूज इन ए ब्रांच सर्किट, ये ब्रांच सर्किट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एंड नेवर इन द फुल पंप फ्लो लाइन, ये पूरी पंप लाइन में यूज़ नहीं किया जाता है पूरी फ्लो लाइन में। ये हो गए हमारे दो वॉल्व, पहला हो गया चेक वॉल्व, दूसरा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व क्या होता है बताया है, थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा अच्छे से। दूसरी बात है, तीसरा है हमारा एयर रिलीफ वॉल्व लगाया जाता है। ये किस लिए लगाया जाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल्व यूज टू कंट्रोल और लिमिट द प्रेशर इन ए सिस्टम। इसका यूज़ किया जाता है सेफ्टी वॉल्व के रूप में, कंट्रोल टू लिमिट द प्रेशर इन ए सिस्टम, मतलब उसमें पानी का प्रेशर कितना उसको कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। प्रेशर माइट अदरवाइज बिल्ड अप एंड क्रिएट ए प्रोसेस अपसेट इंस्ट्रूमेंट आर इक्विपमेंट फेलियर आर फायर। तो ये हमारे फेलियर फायर से सबसे बचाव करते हैं। द प्रेशर इज रिलीव बाई अलाउंग द प्रेशराइज्ड फ्लूइड टू फ्लो फ्रॉम एन ऑक्सिलरी पासेज आउट ऑफ द सिस्टम। तो एयर रिलीफ वॉल्व ये हो गया। अगला कौन सा है, ये देख लो स्कोर वॉल्व, ये किस लगाते हैं। दिस वॉल्व यूज टू ड्रेन द वाटर आउट ऑफ द पाइप सिस्टम। ये वॉल्व लगाया जाता है इसलिए पानी को क्या करते हैं, ड्रेन, वाटर को बाहर निकालते हैं। स्लीव्स वॉल्व किस लिए लगाते हैं, दीज वॉल्व आर यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप सिस्टम फॉर डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ सेक्शन। सेक्शन में अलग अलग सेक्शन जब वाटर पाइप में बनाए जाते हैं तो ये लगाए जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से, टाइप्स ऑफ वॉल्व कितने हो गए, चेक वॉल्व हो गया एक, दूसरा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व हो गया, तीसरा एयर रिलीफ वॉल्व हो गया, चौथा स्कोर वॉल्व हो गया, पांचवा स्लोस वॉल्व हो गया, छठा सर्ज अरेस्टर किस लिए लगाते हैं, कंट्रोल ऑफ वाटर हैमर, वाटर हैमर कंट्रोल करता है इन पाइपलाइन बाय अब्जॉर्बिंग सर्ज एनर्जी, सर्ज एनर्जी को अपना कंट्रोल करता है तब इसका यूज़ करता है। तो ये होगा सिक्स टाइप के वॉल्व जो यूज़ किए जाएंगे, और इनको अच्छे से आप देख लेना, हो सकता है मैंने कुछ अच्छे से ना समझा पाया हो, आप देख लेना। मैंने बस खोज खोज के लिए आपके लिए बहुत अच्छे सिलेबस के टॉपिक लाई हूँ, और जितना भी मैं बता सकती हूँ मैंने बताया है, कोशिश की है मैं अच्छे से करूँ।
और आप लोग भी इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे बन सकता है। तो मैंने दो लेक्चर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बनाए हुए हैं, और बाकी जो वैल्यू एडेड मटेरियल मिल रहा है मैं उसको ऐड करती जाऊँगी प्लेलिस्ट में। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैं ऐड करती जाऊँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारे वॉल्व के बारे में, तो अच्छे से देख लेना। थैंक यू।